नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नीट का एग्जाम के कोई भी चांसेस नहीं है कि दोबारा रिकंडक्ट किया जाएगा, इसलिए आप अब इस पर टाइम वेस्ट ना करें। और मैं आपके लिए बता देता हूं कि NTA के डायरेक्टर श्री विनीत जोशी जी ने बताया कि आपके जो एग्जाम हुआ है इसकी जो आंसर की है वो 25 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी। वहीं रिजल्ट की बात करते हैं तो दोस्तों, आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या 10 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अपन क्वालिफाइड की बात करें तो 50% से ऊपर आप क्वालिफाइड माने जाओगे, हालांकि कॉलेज आपको मेरिट बेस पर मिलेंगे। भाई, अपन एक्सपर्ट की बात करते हैं। एक्सपर्टों ने इस एग्जाम की कट ऑफ को लास्ट ईयर के 10 से 15 नंबर कम बताया गया है। जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, मैं आपको बता देता हूँ, OBC, EWS और जनरल की अप्रोक्स 611 मार्क्स थी। हो सकता है लास्ट की ऑफलाइन काउंसलिंग में भी 1-2 नंबर कम हो गई है, लेकिन आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो। इससे अपन 10 से 15 कम नंबर कम करते हैं तो आपकी 600 या 595 के समथिंग कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। इसके अलावा कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज हैं रिजर्वेशन की, उनमें भी 10 से 15 नंबर ही कम जाएंगे। तो अब आप पे री एग्जाम होगा, इस पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। और जैसे आपका रिजल्ट आएगा, हर स्टेट के अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे, कहाँ क्या कट ऑफ रहेगी आपके बजट पर डिपेंड करेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी, पेमेंट सीट, प्राइवेट सीट, आपको जो भी लेना है सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा और समय समय पर ऑथेंटिक अपडेट पाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।